अबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला ब्यावरा में स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर के स्थित भैरव बाबा के मंदिर समीप कुछ शरारती व्यक्तियों के द्वारा गोश व हड्डियां फेंक दी, जिसके विरोध में बुधवार को हिंदूवादी संगठनों के द्वारा शीतला माता मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसकी सुनार लगने के बाद ब्यावरा SDM संजय उपाध्यक्ष, SDOP नेहा गौर, थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर के किनारे फेंकने वाले ज्ञात आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अतिरिक्त मार्ग को तत्काल हटाने की मांग की। पुलिस के द्वारा मंदिर के समीप मटन हड्डियां फेंकने को लेकर मामला दर्ज किया गया। जानबूझ के वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलवा दो तीन बोलो बेटा, हमने बोला की जो भावनाएं हैं मुझे अवगत हुई और उसमें बहुत सी मुझे पूर्व से अवगत है। मैंने नगर पालिका प्रशासन को अभी तत्काल प्रभाव से मीट की दुकानें हटाने के लिए निर्देशित किया है और इंच टेप लेकर अभी मेजरमेंट हो रहा है और जो वैधानिक कार्रवाई अधिक्रमण हटाने की होती है वो संपादित 3 दिवस के अंदर करने के लिए आपके सामने निर्देशित किया गया। मैडम से बात हो गई है, वो पुलिस चौकी लगाने तैयार है। कब तक लग जाएगी पुलिस चौकी? अभी तत्काल तत्काल CCTV के लिए TI साहब ने फोन कर दिया है। ऐसा संभव सारी आपकी जो मांगे हैं उसको नियमानुसार तत्काल विभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग ब्यावरा, जिला राजगढ़। विषय मातामण स्थित शक्ति माता मंदिर पर फेंके गए मटन के आरोपियों पर होने वाली कार्रवाई हेतु आवेदन एवं मंदिर के आसपास स्थित अतिक्रमण को हटाने हेतु माननीय से आग्रह। महोदय, मातामण स्थित हिंदू मातामण जो मंदिर ब्यावरा में स्थित है वो समस्त हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, जहां आए दिन असामाजिक गतिविधियां होती रहती हैं। आज दिनांक 4 जनवरी 2023 को यहां मंदिर के पास मटन के टुकड़े फेंके गए, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। ये शहर का संवेदनशील स्थान होने के नाते आज ही यहां पर CCTV कैमरे चारों तरफ लगना आवश्यक है। महोदय से आग्रह है कि आज यहां पर कैमरे लगवाए जाएं। मंदिर के चारों तरफ पूर्व में से भी आप लोगों को सूचित किया गया था कि यहां पर अतिक्रमण हो रहा है, जिसको लेकर पूर्व में एक आदेश भी जारी हुआ था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। साथ ही यहाँ पूर्व में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी हुआ करती थी, जिसको पूर्व में हटा लिया गया है। महोदय से आग्रह है कि आज ही उस चौकी को भी बहाल यहाँ पर करवाया जाए। हिंदू समाज की भावनाओं को देखते हुए रास्ते की जो मटन की दुकानें हैं और यहाँ पर एक लाइट की जो DP लगी हुई है, जिससे आने जाने वालों लोगों को यातायात में भी यहाँ पर असुविधाएं होती है और खतरा रहता है। महोदय से आग्रह है कि यहाँ से रास्ते से मटन की दुकानें भी हटवाई जाए और यहाँ पर जो DP लगी हुई है उसको भी आज ही हटवाया जाए। मंदिर पर मटन फेंकने की घटना आज के बाद आज भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू समाज एकत्र हुआ था। आज महोदय को हम लोगों को आग्रह दिया गया है कि उक्त मांगों को जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। महोदय से आग्रह है कि अगर अगले 4 दिन के अंदर ये सारी मांगे हमारी पूर्ण नहीं होती है तो यहाँ का संपूर्ण हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू उत्सव समिति सभी एक साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। महोदय से आग्रह है हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करा जाए। मंदिर जो शक्ति माता का मंदिर है अपने मातामन मोहल्ले में, उस मंदिर के पास में बगल में हड्डियां फेंक दी और वो सब्जी फेंक दी और यहाँ एक बाथरूम बना हुआ है। बीते कई दिनों से बाथरूम बना हुआ था, वो बाथरूम में लोग बाथरूम करते थे, वो मंदिर के ऊपर बना हुआ था। हमारी हिंदू समाज की भावनाएं लगातार इस मोहल्ले में आहत हो रही थी, जबकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हिंदू समाज का प्राचीन मंदिर है और महिलाएं नंगे पैर यहाँ दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आती है शीतला माता की। इसलिए आज पूरे हिंदू समाज ने यहाँ धरना दिया, हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया और हमारी ये मांग थी कि ये बाथरूम तोड़ा जाए और जिसने भी ये हड्डियाँ फेंकी, मांस के टुकड़े फेंके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये आसपास जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं इन अतिक्रमण को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, यहाँ एक अस्थायी चौकी की व्यवस्था की जाए और यहाँ CCTV कैमरे लगाए जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव पॉइंट है। लगातार इस प्रकार के असामाजिक तत्व ऐसी घटनाएं करते हैं, उन पर नज़र रखी जाए और जो लोग ट्रेस हो जाते हैं, जो पकड़ा जाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से दोबारा इस प्रकार की घटना हुई हमारे ब्यावरा नगर के किसी भी मंदिर के ऊपर तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हिंदू समाज बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। ये रात को कुछ किसी के बाथरूम के पास से कोई खाए हुए मटन जो यूज़ किया हुआ मटन, उसके कुछ हड्डियों के पीसेस थे और उसको लेके यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों ने धरना दिया था, उनकी उस बात को सॉल्व कर दिया गया। वो बाथरूम जो
टेम्प्रेरी बाहर एक्सटेंशन में अतिक्रमण करके बना दिया था, जिसको नगर पालिका प्रशासन ने हटा दिया था। और भी जो अतिक्रमण के लिए है उसके लिए तुरंत उसके नापजोक करके और उसके अतिक्रमकों के विरुद्ध नोटिस की कार्रवाई की जा रही है नगर पालिका द्वारा, प्लस मटन की दुकानें बंद करने के लिए रिक्वेस्ट की गई तो उसको तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया हटाना, और CCTV और भी जो मांग थी उन सबको मांग लिया। पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी, पुलिस चौकी भी। सर, जो यहाँ पर जो अतिक्रमण वाला जो मामला पहले से उठ रहा है तो इस पर कब तक कार्रवाई होगी? नगर पालिका प्रशासन अभी मेजरमेंट करके उसको नोटिस जारी कर रहा है, तो जैसी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण होती है कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।